नेक्स्ट विटामिन जो हम डिस्कस करने वाले हैं कल थोड़ा नेटवर्क uh, इशू था तो इसलिए कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी सो सॉरी फॉर द कन्वीनियंस लेट्स स्टार्ट विटामिन ई विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफिरॉल अब मैंने आपको बताया था कि सबके नाम आपको याद रखने हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि विटामिन ए का मैंने क्या नाम बताया था और विटामिन डी का सो विटामिन ई को हम बोलते हैं टोको टोकोफिर इज़ अ विटामिन ई और इसको हम एज अ ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं या फिर एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी मींस कि ये स्टेरिलिटी को ठीक uh, करता है यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है हमारा उसे ठीक रखता है इसीलिए इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोला गया और ब्यूटी तो सभी गर्ल्स को पता होगा कि ब्यूटी इज़ फेवरेट फॉर ऑल गर्ल्स सो इट इज़ अ ब्यूटी विटामिन ऑल्सो एंड एंटी स्टेरिलिटी विटामिन ऑल्सो और ये क्या है कि ऑक्सीडेंट की तरह काम कर, करता है ताकि जो हमारी आर बी सी है रेड ब्लड सेल्स को बनाने में भी हेल्प करता है और जो हमारा रिप्रोडक्टिव फंक्शन है मेल और फीमेल बोथ उनमें भी हेल्प करता है कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग रहे उनकी और इसके इंपॉर्टेंट सोर्स क्या क्या हो सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल हो सकता है वीट और एनिमल्स जो भी हमें एनिमल से फूड मिलता है वो रिलेटेड कोई भी फूड एनिमल्स से रिलेटेड और ग्रीन वेजिटेबल्स और गेहूँ यानी कि वीट और अगर इसकी कमी हो जाती है विटामिन की तो ये हमारी एक तो मसल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है अब मसल्स बिकम वीक और जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको क्या है अब नॉर्मल फंक्शनिंग होना उसका शुरू हो जाता है यानी वो तो प्रॉपर फंक्शनिंग करना बंद कर देते हैं नेक्स्ट इज़ विटामिन के विटामिन के को फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं क्विनिन वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेंजीन ग्रुप से रिलेटेड जो होते हैं यानी कि ये एक प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं जो कि कोगुलेशन यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है इसीलिए इसको फाइलोक्विनोन भी बोला गया है और नैप्थोक्विन भी बोला गया है विटामिन के को डिस्कवर करने वाले हैंनरिक हैं। डैम थे उन्होंने नाइनटीन में विटामिन के को डिस्कवर किया था और ये क्या है कोगुलेशन विटामिन भी कहलाता है कोगुलेशन विटामिन यानी कि जब हमें चोट चोट लग जाती है तो ब्लड फ्लो होता है थोड़ी देर बाद वो रुक कर एक क्लॉट सा बना देता है हमारी बॉडी में ताकि हमारा ब्लड फ्लो ना हो इसी को कोगुलेशन यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोलते हैं तो विटामिन के जो है हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है इसके मेन सोर्स क्या क्या है कॉलीफ्लावर है स्पिनच है टोमेटो है सोयाबीन है दीज आर दी मेन सोर्स ऑफ विटामिन के और अगर विटामिन के नहीं होगा तो इसकी डेफिशिएंसी से इसकी कमी से क्या होगा कि जो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लॉटिंग है वो क्या होगी डिले होगी यानी देर से होगी या फिर बिल्कुल ही जो है ब्लड फ्लो ज़्यादा होने लगेगा इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ ब्लड तो क्लॉटिंग को कम कर देगा अगर इसकी डिफिशेंसी होगी सो वी शुड हैव इन प्रॉपर अमाउंट विटामिन के नेक्स्ट इज विटामिन बी वन विटामिन बी वन इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम थाइमीन और ये नेम देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फंक तो बी वन का नाम थाइमीन फंक ने दिया था लेकिन दिस विटामिन वॉज डिस्कवर्ड बाय एक मैन और ये क्या है अगर ये विटामिन को हम एक्सेसिव कुकिंग करते हैं इसीलिए बोलते हैं ना मच कुकिंग इज़ ऑल्सो नॉट बेटर बॉइल फूड इज़ मच प्रफर्ड सो so, अगर कुकिंग हो करेंगे तो ये विटामिन क्या है डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसका मेन फंक्शन होता है कि जो हमारी नर्व सेल होती है जो इम्पल्स सिग्नल क्रिएट करने का काम करती है उनका जो है प्रॉपर फंक्शनिंग हो वो विटामिन बी वन के थ्रू होता है यानी कि हमारी नर्व सेल जो है वो प्रॉपर वर्क करे इसके लिए आपको विटामिन बी वन लेना होगा एंड ये क्या है हमारा जो डाइजेशन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा फंक्शन है उसको भी प्रॉपर करने में विटामिन बी वन ही हेल्प करता है इसके सोर्सेज हैं राइस व्हीट ग्रेन्स बीन्स सोयाबीन ये सब इसके सोर्सेज हैं अगर आप इसको प्रॉपर अमाउंट में लेंगे तो योर डाइजेशन विल बी नॉर्मल एंड योर नर्व सेल फंक्शन विल बी ऑल्सो नॉर्मल अगर इसकी डिफ़िशेंसी हो जाती है तो बेरी बेरी होने के चांसेस हैं बेरी बेरी मीन्स होता है जब हमारा पैरालिस ये जो लेग्स हैं उनका पैरालिस हो जाता है ये हेड है पैरालिसिस तो इट कॉज़ पैरालिस इन योर लेग्स एंड हेड मतलब कि नर्व सेल जो हैं वो डिफंक्शन करने लग जाती हैं नेक्स्ट इज विटामिन बी टू बी टू को राइबोफ्लेविन भी बोला जाता है और इसको पहले सबसे पहले विटामिन इस विटामिन को एनिमल टिश्यू से लिया गया था और उसको डिस्कवर करने वाले थे वॉर्सन एंड क्रिश्चन तो इन दोनों ने एनिमल टिश्यू से इस विटामिन को आइसोलेट किया था ये भी क्या है अगर आप कुकिंग करोगे या फिर स्ट्रांग सनलाइट इस पर पड़ेगी तो ये विटामिन जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसको राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं ये नाम आपको ज़रूर से याद रखना है विटामिन बी वन इज़ थमीन एंड विटामिन बी टू इज राइबोफ्लेविन और ये क्या है की हेल्प करता है किस चीज़ में हमारी जो नॉर्मल ग्रोथ हो बॉडी की बॉडी का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर वे में हो इसमें हेल्प करता है विटामिन बी टू और इसके सोर्सेज वही आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले लीजिए मिल्क एग पल्स चीज़ ये सब क्या है आपके नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी में हेल्प करेगा अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो टंग क्या है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और जो हमारे कॉर्निया होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं और जो आ, हमारा माउथ होता है उसके कॉर्नर में से क्रैक्स नहीं आ जाते जब आप अपना माउथ भी ओपन करते हो तो बहुत दर्द होता है या कुछ खाना खाते हो उसके लिए अपना मुंह खोलते हो तो इट फील्स लाइक पेन आपके माउथ में कॉर्नर में क्रैक्स आ जाते हैं और इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग मींस व्हाट कि आपकी टंग क्या एकदम स्वेल हो जाएगी कलर चेंज करना शुरू कर देगी uh, तो ये सब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग अगर विटामिन बी नहीं होगा तो इट विल कॉल कॉज दीज प्रॉब्लम्स इट इज़ विटामिन ट्व ऐसे बी में तो बी वन बी टू हमने डिस्कस किया अभी बी ट्वेल्व करेंगे बी थ्री फोर फाइव टिल नाइन भी होते हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया है फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मैं सारे विटामिन बी करा दूँगी सो लेट स्टार्ट विटामिन बी ट्वेल्व बी ट्वेल्व को साइनोकाबल माइन भी बोला जाता है ये कलर में डार्क होता है क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो कोबाल्ट होता है जो डार्क कलर देता है तो इसका जो विटामिन बी ट्वेल्व का कलर है बहुत डार्क कलर्ड होता है और इसको कोबामाइट साइनाइट भी बोलते हैं साइनाइट क्या है एक नेचर में मिलने वाला ही एक केमिकल कंपाउंड है जो स्पायरोना या प्ला प्लांट में नहीं मिलता है ये कुछ अलगा स्पीशीज़ में या फिर स्पायरोगना जो प्लांट होते प्लांट नहीं होते हैं वो एक तरीके के फंजाए अलगी में आते हैं तो उनसे हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं रैदर इनके सोर्सेज में ही ये फाइंड होता है और ये क्या है आर फॉर्मेशन में हेल्प करता है यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है और जो हमारे नर्व टिश्यू होता है उसके फंक्शन को प्रॉपर करता है इसके सोर्सेज चीज़ मिल्क मीट फिश एग किडनी एक्सेट्रा ये सब में आपको क्या मिल जाएगा विटामिन बी ट्वेल्व और अगर ये नहीं है अगर इसकी कमी है तो यू विल बी सफरिंग फ्रॉम पेरिनीशियस एनीमिया पेरिनीशियस एनीमिया मीन्स जब हमारी रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन कम हो जाती है तो उस कंडीशन में हम पैरानिशिया एनीमिया से सफ़र करते हैं और अगर ये प्रॉपर अमाउंट में होगा देन आर बी सी फॉर्मेशन प्रॉपर होगी तो आपको ये एनीमिया भी नहीं होगा मेनली क्या है स्टमक की जो लाइनिंग है वो कम होना शुरू हो जाती है वीक हो जाती है वो लाइनिंग इस वजह से आर बी सी फॉर्मेशन भी इससे इफ़ेक्ट होती है विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से तो इस वजह से इस डिज़ीज़ से सफ़र होना पड़ता है नेक्स्ट इज़ विटामिन सी विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये क्या है जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर जो हमारे स्टोर करके रखते हैं वो जूसेस पेंक्रियाटिक जूसेस तो उन उसको स्टोर करने वाला जो होता है गॉल ब्लैडर उसमें पत्थरी ना हो स्टोन ना बने उसको प्रिवेंट करने में विटामिन सी हेल्प करता है लेकिन अगर ज़्यादा हीट होगी तो ये विटामिन डिस्ट्रॉय भी हो जाता है और ये क्या काम करता है ये हमारी बॉडी को इतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि वो इन्फेक्शन से लड़ सके मेनली वायरल इन्फेक्शन है या फिर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उससे लड़ने में भी एस्कॉर्बिक एसिड हेल्प करता है जैसे कि कोरोना वायरस आजकल चल रहा है तो डॉक्टर प्रेफर यू टू टेक सम सिट्रस फ्रूटेड फ्रूट्स और द सोर्स ऑफ विटामिन सी मोर तो क्या है वो वायरल इन्फेक्शन को कम करने में हेल्प करेगा आपके और इसके सोर्सेज हैं सारे जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं आंवला सिट्रस फ्रूट गवा टोमेटो आर दी सोर्स ऑफ विटामिन सी नेक्स्ट इज़ इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा डिफिशियंसी से इसकी स्कर्वी हो जाएगा यानी कि जो हमारे जो है वो ब्लीडिंग होने लगेगी मसूड़ों में तो उसी को स्कर्वी बोलते हैं सो इट्स डिफिशियंसी विल कॉज यू स्कर्वी